नदियों के बढ़ते जलस्तर और इस बीच नदियों में बने रेल पुल से ट्रेनों के परिचालन में सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने एक डिवाइस को प्रयोग में लाया है, जिसे ऑटोमेटिक वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम नाम दिया गया है। बाढ़ के दिनों में आपातकालीन स्थिति की जानकारी रेलवे के संबंधित अधिकारी को SMS के माध्यम से देता है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर ने 57 जगहों पर इस डिवाइस को लगाया है, जो नदी में लगे होते हैं और सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं। इसे हाजीपुर से सोनपुर जाने वाले रेलवे पुल के नीचे भी देखा जा सकता है। ये अब आपको बताते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। आधुनिक वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम रेल पुल के नीचे नदी में लगा होता है। इस सिस्टम में सोलर पैनल से जुड़ा एक सेंसर होता है, जिसमें एक चिप भी लगा होता है। यह सेंसर ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा होता है। प्रतिदिन नियमित अंतराल पर नदियों के जलस्तर की जानकारी संबंधित रेल अधिकारियों को और रेल पथ के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजी जाती है, जिसके बाद रेल पथ को संरक्षित करना आसान हो जाता है। साथ ही सुरक्षित रेल परिचालन की दिशा में प्रयास किया जाता है। कोई डिवाइस लगाया गया है इससे बचाव के लिए? पूर्व मध्य रेलवे में 57 जगहों पर, जहां पर कि इस तरह से पानी का लेवल बढ़ सकता है नदियों का, उन सब जगहों पर हम लोगों ने एक ऑटोमेटेड डिवाइस लगाया हुआ है, जो चिप इसके अंदर है और जो सोलर पैनल से चलता है। ये एक तरह का ट्रैकिंग सिस्टम है और ऑटो SMS इसमें जनरेट हो जाता है, तो संबंधित अधिकारियों को ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि वाटर लेवल कैसे कैसे बढ़ रहा है या क्या उस वर्तमान में जलस्तर है। क्या कुछ बचाव इससे हो सकता है, मतलब इस सिस्टम के लगने से क्या फायदा होगा? सिस्टम के लगने से अलर्ट एक जनरेट हो जाता है, जिससे हम लोग ये जान सकते हैं कि वाटर लेवल अगर खतरनाक स्तर की ओर बढ़ रहा है, संभावित तैयारियों को जो है गहन किया जा सकता है। ट्रेन परिचालन को भी रोका जा सकता है। ट्रेन परिचालन से संबंधित जो है सुरक्षात्मक उपाय किए जा सकते हैं। जी, पूरे 57 जगह पे जी ECR में 57 जगहों पर ये लगाया गया है।